Hello students, this is Nitu Sharma, your EVS teacher. Today we are going to discuss exercise of chapter 1st, 2nd and 3rd from science part. So we have already discussed this exercise in our live classes, but those who are not attending or not able to attend the live classes, this for those students. There are many students who are not able to attend live classes. This is for those students. So start. First chapter is life and survival of plants. तो hard words हम already discuss कर चुके हैं और इनके meaning भी आप लोगों को बता दिए गए हैं, तो इनको हम discuss नहीं करने वाले. अगर आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए चाहिए तो आप रीडिंग वीडियो देख सकते हो. क्या बोले मैं, अगर ऐसे कैसे कराऊंगी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम टू आंसर, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स. तो स्टेम ऑफ बैम्बू या स्टेम ऑफ डैश प्लांट्स आर यूज टू मेक पेपर. तो कौन से प्लांट का जो स्टेम होता है उसको पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं, बैम्बू. सेकेंड वन इज तुलसी इज यूज टू मेक, क्या बनाने के लिए तुलसी का यूज करते हो आप, मेडिसिंस. वी ईट इवन डैश ऑफ प्लांट्स. तो हमने अपने लेसन में पढ़ा था कि हम जो क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे उसका स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गई उसकी, और उसके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, या फिर उसके फ्लावर्स को भी इवन हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं. उसके बाद है टीक ट्री गिव अस, क्या देता है टीक ट्री हमें, वुड देता है फर्नीचर बनाने के लिए. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री दैट ग्रो इन हिली एरियाज. तो इनमें से हिली एरियाज में कौन सा ट्री ग्रो करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कैडर. सेकेंड वन, प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड. तो जो मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स, ओके. नंबर थ्री, अ लोटस प्लांट हैज. तो लोटस प्लांट की कैसी होती हैं, लीव्स के बारे में पूछा है. तो थिन होती हैं, नीडल लाइक होती हैं या ब्रॉड होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉड लीव्स होती हैं. नेक्स्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप ट्रैप इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है वो, लीव्स की हेल्प से, जो उनकी लीव्स होती हैं उनकी हेल्प से, तो इसका आंसर हो जाएगा ये. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रीज ग्रोइंग इन हिल्स हैव नीडल शेप्ड लीव्स. कैसी शेप की वो होती हैं उनकी लीव्स, नीडल शेप्स. प्लांट्स इन हॉट एंड ड्राई एरियाज आर, कैसे प्लांट्स होते हैं हॉट और ड्राई एरियाज में, यानी कि डेजर्ट्स में. तो जैसे कि कैक्टस हो गया, प्रिकली पियर हो गया, या डेट पाम, ये सब ग्रो करते हैं डेजर्ट में. थर्ड वन इज ट्री इन द प्लेन्स शेड देयर लीव इन विंटर सीजन. वोल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वोल्फिया कौन से प्लांट का एग्जाम्पल है, फ्लोटिंग प्लांट्स का. नेक्स्ट है डैश प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा. तो कौन से जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टोमेटा नहीं होता, अंडर वाटर मीन्स जो अंडर वाटर ग्रो करते हैं प्लांट्स उनका स्टोमेटा नहीं होता है. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. तो कैक्टस मेक इट्स फूड बाय इट्स स्पाइन, कैक्टस अपना फूड उसकी स्पाइन से बनाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स. ठीक है, माउल्स एंड मशरूम आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स. इसके बाद है प्लेस विद स्टिकी एंड क्लेई सोइल आर कॉल्ड स्वैम्प, दिस इज ट्रू. प्लांट्स ग्रोइंग इन हिल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट मशरूम इज अ नॉन ग्रीन प्लांट, दिस इज ट्रू. उसके बाद है हमारे पास मैच द फॉलोइंग्स क्वेश्चन नंबर ई. तो मैच द फॉलोइंग्स में क्या क्या है हम लोगों के पास, प्लांट्स इन मार्शी, तो मार्शी में कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, मैंग्रोव्स. तो आप फर्स्ट को डी से मैच कर सकते हो, या यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. प्लांट्स ऑन हिल्स, हिल्स में कौन से प्लांट्स होते हैं, फर यानी कि सी. प्लांट्स इन डेजर्ट यानी कि कैक्टस.
आपको यहाँ पे आंसर दिए भी हुए हैं। उसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा है आपके पास, वो है आपके पास माउल्स। और अंडर वाटर प्लांट हेड्रिला। और फिक्स्ड वाटर प्लांट कौन सा रह गया आपके पास, एक ही बचा होगा आई थिंक, और वही है लोटस। तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारा मेन पार्ट जिसको हमें एक्सप्लेन करना है या डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अ कैक्टस सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो एक कैक्टस कैसे सर्वाइव करता है डेजर्ट में। तो कैक्टस के पास क्या होती हैं, कैक्टस रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर टू सर्वाइव एंड डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। क्या चाहिए कैक्टस को, बहुत कम पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, और डेजर्ट में भी बहुत कम बारिश होती है। सो इट कैन सर्वाइव इन डेजर्ट, और इसीलिए वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। मीन्स जो वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट प्लांट है वो इंसेक्ट्स को कैसे ट्रैप करता है। तो कैसे करता है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स हैव स्पेशली डिजाइंड लीव्स विच हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट्स। जो उसकी स्पेशल डिजाइन लीव्स होती है ना, वो उसको हेल्प करती है कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करने में, यानी कि फंसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन स्वैम्प। स्वैम्प क्या होता है, दलदल या कीचड़ वाला क्षेत्र। तो वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स हैविंग ब्रीथिंग रूट्स। मीन्स वो प्लांट्स जिनकी ब्रीथिंग रूट्स हों। द रूट्स ऑफ प्लांट्स विच कम आउट ऑफ वाटर एंड सोयल टू ब्रीथ कैन ग्रो इन स्वैम्प। तो सिर्फ वही प्लांट्स स्वैम्प में ग्रो कर सकते हैं जो कि जिनके पास ऐसी रूट्स हों जो कि वाटर और सोयल से बाहर आ सके, किसके लिए, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैव प्लांट्स इन कोल्ड प्लेस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैव प्लांट्स इन कोल्ड प्लेसेस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स। तो कैसे वो अपनी सराउंडिंग के को में अनुकूल करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं कोल्ड प्लेसेस में। प्लांट्स इन कोल्ड प्लेसेस हैव अडेप्टिव देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग ड्यू टू फॉलोइंग फीचर्स। क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग मीन्स के अपने जो इन वातावरण होता है चारों तरफ का उसमें अनुकूल, उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो हैव नीडल लाइक लीव्स विद वैक्सी कोटिंग। कैसी होती हैं उनकी नीडल्स, उनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल के जैसी होती हैं और उनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है। उसके बाद हैव स्लोपिंग ब्रांचेज थ्रू विच स्नो फॉल्स इजिली। उनकी जो शाखाएँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो स्लोप में यानी कि तिरछी होती हैं जिससे स्नो इजिली नीचे चली जाती है। हैव कॉन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, और इनके क्या होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते बल्कि उनकी जगह पे कॉन्स होते हैं। तो ये जो स्पेशल फीचर्स हैं यही उनको उस सराउंडिंग में अडप्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू फ्लोटिंग प्लांट्स हैविंग ए वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स। तो जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनकी लीव्स पे भी एक वैक्सी कोटिंग होती है। तो इन्होंने पूछा वाई, क्यों होती हैं। द वैक्स ऑन द लीव्स डजेंट अलाउ द प्लांट स्पेशली द लीव्स टू गेट सबमर्ज इन वाटर। तो उनकी जो वैक्स कोटिंग होती है, देखो जिस किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चिकनाई लगी हुई है या वैक्स लगी हुई है तो वो क्या करेगी, पानी में डूबेगी नहीं, वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी वो चीज़। तो वही जो ये वैक्सी कोटिंग है उन पत्तियों को पानी के अंदर मर्ज होने में, डूबने में, न डूबने में हेल्प करती है। मीन्स वो उसके ऊपर ही फ्लोट करती रहती हैं वो लीव्स। सो फ्लोटिंग प्लांट्स हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स, इसीलिए उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है ताकि वो उसको फ्लोट करने में हेल्प कर सके और डूबे नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर प्लांट्स इन प्लेन्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज। मीन्स जो प्लांट्स हिली एरियाज में ग्रो करते हैं उनसे जो प्लेन में ग्रो करते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं, मीन्स हमें इनको इनकी अंतर बताने हैं। तो प्लांट्स इन प्लेन और प्लांट्स इन हिली एरियाज, तो इनके फीचर्स वो देख लीजिए। ट्रीज इन प्लेन्स हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स सो दैट दे कैन कैप्चर अलॉट्स ऑफ सनलाइट टू मेक देयर
फूड। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है इनका कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, मीन्स चौड़ी होती हैं और पतली होती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सकें और अपना फूड बना सकें। और ये ट्रीज़ क्या करते हैं, शेड देयर लीव्स इन विंटर्स, और विंटर में ही अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं या फिर इनकी लीव्स गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। अब प्लांट्स इन हिली एरियाज, प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स विद वैक्सी कोटिंग। इन प्लांट्स की क्या होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो नीडल के जैसी नुकीली होती हैं और उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स की लेयर होती है। दे हैव स्लोपी ब्रांचेज थ्रू विच स्नो स्लाइड्स ऑफ इजीली, और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो स्लोपी तिरछी होती हैं, जिससे कि स्नो इजीली नीचे स्लाइड हो जाती है या गिर जाती है। इसके बाद हैं ट्रीज हैव कॉन्स इनसाइड इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, और जो ये हिली एरियाज के प्लांट्स होते हैं उसमें एक और क्या फीचर होता है, इनकी जो वो होती हैं ट्री होते हैं, जो भी प्लांट या ट्री बोलो जो हिली एरियाज में ग्रो होते हैं, उनमें फ्लावर्स की बजाय कॉन्स होते हैं। तो ये सारे इनके डिफरेंट मतलब इनके डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब थ्री टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो हमने पढ़ा था कि एक्वेटिक प्लांट्स कितने टाइप के हैं, थ्री प्लांट टाइप के। कौन कौन से थे वो, कौन कौन से थे वो, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट। तो इन्हीं तीनों को हमें डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले है फ्लोटिंग प्लांट्स, दे कैन फ्लोट फ्रीली इन वाटर एज दे हैव स्मॉल एंड लाइट बॉडीज विद स्पॉन्जी एंड एयर फिल्ड स्टेम। तो फ्लोटिंग प्लांट में क्या होता है, ये इजीली पानी में फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल भी होती है और हल्की भी होती है, और जो स्टेम होती है वो स्पॉन्जी होती है और उसमें एयर हवा भरी हुई होती है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, वॉल्फिया हो गया, डकवीड हो गया, वाटर हाइसनेथ। उसके बाद है हमारे पास फिक्स्ड प्लांट। अब फिक्स्ड प्लांट्स कौन से होते हैं, दे हैव रूट दैट आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड, दे हैव लॉन्ग होलो फ्लेक्सीबल स्टेम विद ब्रॉड लीव्स, और एग्जाम्पल क्या है, लोटस एंड वाटर लिली। तो इसके बारे में बोला है कि इनकी जो रूट होती है वो बॉटम में फिक्स्ड होती है, जिसमें ये होते हैं पौंड या तालाब के बॉटम में उनकी रूट फिक्स होती है, लेकिन उनकी जो बाकी वो क्या होती है, लॉन्ग होते हैं, फ्लैक होलो होते हैं और फ्लैक्सीबल स्टेम होती है, और इनकी लीव्स भी ब्रॉड होती हैं जिसकी वजह से ये आसानी से फ्लोट कर पाते हैं। और जो वाटर लिली और लोटस इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है अंडर वाटर प्लांट। अब अंडर वाटर प्लांट नाम से ही पता है, जो कि पूरी तरह पानी में डूबे हुए रहते हैं। दे रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, दे हैव नैरो एंड थिन लीव्स विद फ्लेक्सिबल स्टेम। तो इनकी भी स्टेम फ्लेक्सिबल होती है और इनकी लीव्स होती हैं वो नैरो और पतली यानी थिन होती हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं इनके, हाइड्रिला और टैप ग्रास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री, वट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट, यानी कि टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे ग्रो करते हैं और एक्वेटिक जो पानी में ग्रो करते हैं, उनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एरियाज, दिस प्लांट ग्रो ऑन लैंड, तो ये भूमि पे जमीन पे ग्रो करते हैं। इनके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्पेशल फीचर अडेप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट लाइक डेजर्ट, हिल्स, मार्शी प्लेन, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो इनके पास कुछ स्पेशल एडेप्टिव फीचर होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, यानी कि जीवित रहने में डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में, अलग अलग स्थानों पे। कौन कौन से स्थानों पे ग्रो करते हैं ये, कुछ डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कुछ हिल्स पे मतलब पहाड़ों पे, कुछ मार्शी एरियाज में, कुछ प्लेन में, कुछ जंगलों में और कुछ घास के मैदानों में। उसके बाद है प्लांट्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, तो जो पानी में ग्रो करती हैं उन प्लांट्स के लिए बोला है। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से हैं, तो दिस प्लांट्स ग्रो इन वाटर, सबसे पहले तो ये पानी में ग्रो करते हैं। दूसरा, इनमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट ऑफ प्लांट्स हेल्प देम टू फ्लोट और स्टे अंडर वाटर। बेस्ड ऑन देयर फीचर्स एक्वेटिक प्लांट्स आर थ्री टाइप्स। तो इनके बारे में भी सेम वही है कि इनके पास भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको या तो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं या फिर उनको पूरी तरह से सबमर्ज्ड अंडर वाटर डूबे रहने में हेल्प करते हैं। और इनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट। तो आई होप आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे।
थैंक यू।